Good afternoon, everyone. Today I am going to take English lesson 7, Packing of Beehive, part 2. I have already taught you part 1 of this lesson, in which I have given a brief introduction about the author and also about the story. So today I will continue the lesson. Next part, part 2. So what we saw? We saw that how the writer, Jerome, wanted to boss the job, wanted to do the packing, because he with his two friends, I mean George and Harris, they were going for a travel trip. Okay, and to boss the job was his main desire. Whose main desire? Jerome's. So Jerome told his two friends to leave the responsibility entirely on him. He will manage everything. But they misunderstood what he wanted to say. Whom he misunderstood? George and Harris. And while he started packing, both of them, one of them sat on the sofa and the another one on the wheelchair. And Jerome himself started the packing. But the neighbor seemed to help him. Who? George and Harris. Okay. So after that, what happens? Let's see in part 2. So as I have told you right now, just now I have told that one of them sat on the sofa and the another one sat on the wheelchair, and they were just looking at Jerome instead of helping him. However, I did not say anything. I here refers to the writer, the narrator. Who is the narrator? Jerome K. Jerome. So Jerome did not say anything, but started the packing. Okay. He saw that both his friends, George and Harris, they just never wanted to help him. Okay. It never seemed that they are going to extend their help in packing. So he didn't say anything and he started the packing. Who? Jerome. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. और क्या हुआ कि इसे लगा, जेरम को लगा कि ये बहुत ही लंबा काम, ये जो है बहुत ही longer job लग रहा था than I thought, जो सोचा था कि packing करना सबका बात नहीं है. ये तो पहले सोचा था और उसने सोचा, यह भी सोच लिया था जेरम ने कि उससे अच्छा कोई पैकिंग करने किसी को नहीं आता होगा विश्व में, या जिनको वो जानता है उनमें से किसी को इतना अच्छा पैकिंग करने नहीं आता है. लेकिन पैकिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट्स नॉट सो इजी. ओके, इतना आसान नहीं होता है पैकिंग करना. कौन चीज कहाँ रखना है ये समझ में नहीं आता है. आप जब पैकिंग करते हो, अलमारी में जब सामान रखते हो, इफ यू आर कीपिंग द क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स इन योर अलमीरा, यू फाइंड इट डिफिकल्टी टू यू डोंट नो वेयर टू पुट विथ विच थिंग्स. ओके, इन द सेम वे इट वॉज नॉट गोइंग टू बी सो इजी. सो ही रियलाइज्ड. हु रियलाइज्ड? जेरम रियलाइज्ड. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. तो क्या हुआ कि अंत में अपने कोशिश से, अपने मेहनत से जेरम क्या करता है, उस बैग को पैक कर देता है. बड़ा सा बैग रहता है क्योंकि उस बैग में सारे लोगों का कपड़ा वगैरह, जूता वगैरह
और खाने का मटेरियल वगैरह सारा चीज उसमें डालना है, उस बैग में, बड़ा सा बैग में, ठीक है। और अंत में क्या करता है, वो पैकिंग खत्म कर देता है, ही फिनिशेस पैकिंग एंड देन ही सिट्स ऑन द बैग। वो बैग पर बैठता है और उसको स्ट्रैप लगाता है। बड़ा सा बैग था, बड़ा सा बैग पर बैठने का भी आनंद अलग होता है, ठीक है। और वो बैठ गया, बैठकर उसका स्ट्रैप लगा रहा है, स्ट्रैप मतलब फीता। तो जेरम उस बैग पर बैठकर उस स्ट्रैप को लगा देता है, दोनों तरफ दो तीन जो भी स्ट्रैप रहता है, जिससे कि टाइट हो जाए, ठीक है, लॉक कर देता है। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। उसी वक्त क्या करता है हैरिस, क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तब से वो वहां बैठकर मजा ले रहा है कि किस प्रकार से जेरम अकेले कर रहा है, और वही मजा ले रहा था कि अकेले ये करे हैरिस और जॉर्ज, दोनों का वही ख्याल था कि ये लोग बैठकर बस देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और इन लोगों ने ठान लिया था कि हेल्प नहीं करेगा। वो पहले भी वो बूट को दे सकते थे, यहां पूछ रहा है एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। हैरिस यहां पूछ रहा है जेरम को, क्या तुम बूट्स को नहीं रखोगे, जूतों को नहीं रखोगे बैग में? तो इतने देर से पहले भी वो कह सकता था, स्ट्रैप मैंने बैग पैक होने से पहले कह सकता था ना। एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, दैट जस्ट लाइक हैरिस। और फिर जेरम देखते हैं ऐसा करके, जैसे वो हैरिस बोलता है उसके तरफ उसकी ध्यान जाता है जेरम का, और जेरम बोलते हैं कि मनी सोचते हैं कि, और देखते हैं कि वो भूल गए हैं बूट्स को रखना, वो रियलाइज करते हैं कि बूट्स रखना भूल गए हैं, दैट जस्ट लाइक हैरिस। और फिर ठीक हैरिस का समान हुआ है, हैरिस भूला नहीं है, हैरिस भूला नहीं होगा, उतना देर से बूट देख रहा होगा, जानबूझकर वो आनंद ले रहा था कि किस प्रकार परेशान किया जाए जेरम को, फिर से अनपैक करें, बैग खोले, बूट रखे। पहले भी वो हैरिस कह सकता था ना, तो ये रियलाइज कर पाए जेरम कि इनके दोनों दोस्त जो है बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और ये बूट्स को रखना भूल गए थे। तो ये चीज को रियलाइज कर लिया इन्होंने। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड ऑफ कोर्स। और कह रहे हैं जेरम, जो मैंने अभी अभी बात कहा कि इतना देर से वो कुछ नहीं बोला, हैरिस कुछ नहीं बोल पाया बोला जब तक ये बैग को बंद किए, स्ट्रैप किए, स्ट्रैप लगा दिए, तब तक वो कुछ नहीं बोला। लेकिन हैरिस ने देखा कि ये बैग बंद कर दिए, बैग का जिप लगा दिए, लॉक लगा दिए, स्ट्रैप लगा दिए, उसके बाद वो बोल रहा है, पहले भी बोल सकता था। एंड जॉर्ज लाफ्ड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ द ऑफिस। और उस समय ये जॉर्ज, मैं बोला नहीं, आनंद ले रहा था कि उसका दोस्त जेरम किस प्रकार अकेले पैकिंग कर रहा, परेशान हो क्यों ना हो, थोड़ा और हो, इसलिए वो बहुत ही कनिंग हंसी था, उसका जो लाफ्टर था बहुत ही कनिंग था। कनिंग का मतलब धूर्त, जो लोग ऐसा हंसते हैं, धूर्त लोग जो हंसते हैं किसी को दुख पहुंचाकर और मजा लेते हैं, वही हंसी था। किसका था? हैरिस का। और वन ऑफ दोज इरिटेटिंग कहा गया, बहुत ही माने गुस्सा दिलाने वाले हंसी, ऐसा तरीके से हंस रहा था किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। सेंसलेस, और जिसका कोई सेंस नहीं होता है, बेमतलब का हंस रहा था, ठीक है। दे डू मेक मी सो वाइल्ड। और जेरम बोल रहे हैं इससे मुझे बहुत परेशानी होती है कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई वहां चुपचाप बैठे रहता है और विघ्न उत्पन्न करता है तो बहुत गुस्सा आता है जेरम को। तो जेरम को बहुत गुस्सा आया, एकदम पागल सा बना दिया, समझ लो मेक मी वाइल्ड का मतलब वही हुआ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
I opened the bag and packed the boots in. तो जेरम को जेरम क्या करता? जेरम के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, ठीक है? तो जेरम ने उस बैग को खोला और बूट्स को अंदर डाला. And then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. तो जेरम ने अपना बूट सॉरी अपना बैग खोला और उस बूट्स को उन जूतों को पेयर ऑफ बूट्स को रखा उसके अंदर. और जैसे ही बैग को फिर बंद करने जा रहा था, उसे जिप लगाने जा रहा था, लॉक लगाने जा रहा था, स्ट्रैप लगाने जा रहा था, उसी वक्त एक बहुत ही हॉरिबल आइडिया उसके दिमाग में आया. हॉरिबल आइडिया, क्या हॉरिबल आइडिया है चलो देखते हैं. हैड आई पैक्ड माय टूथब्रश, वो सोचने लगा. जेरम सोचने लगा, क्या मैं अपना टूथब्रश रखा कि नहीं रखा? कभी कभी ऐसा होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाना है हमको कहीं बैग में, तो हमें बार बार ये बात आती है मन में कि मैं डॉक्यूमेंट रखा कि नहीं. या अब कोई ट्रैवलिंग करने जाए तो उसको टूथब्रश याद आएगा, बाद में शू का ब्रश याद आएगा, शू साइन वाला ब्रश, पॉलिश लिया कि नहीं, ब्रश लिया कि नहीं, हाँ हैंकी लिया कि नहीं, टॉवल्स लिया कि नहीं, ये सब बातें याद आएगी. और उसी समय जेरम को एक बात याद आया, दैट वॉज ए हॉरिबल थिंग. वो पूछ रहा अपने आप से कि क्या मैं टूथब्रश पैक किया, टूथब्रश रखा बैग में? आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. तो जेरम कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, टूथब्रश का जो रहस्य है ये कैसा हुआ, रहस्य हो गया ना, वो रखे कि नहीं रखे, जेरम ने रखा कि नहीं रखा, बिल्कुल उनको भी याद नहीं आ रहा था, ठीक है? लेकिन उनको बिल्कुल वो नहीं जानते थे कि उन्होंने टूथब्रश पैक किया कि नहीं, उनको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, उनको मालूम ही नहीं, पता ही नहीं था. एक डाउट रह गया था, संदेह रह गया था कि मैं रखा कि नहीं रखा, मैं भी क्या कह रहा था. कभी कभी ऐसा होता है ना. माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग. कह रहा है कि मेरा टूथब्रश एक ऐसा चीज है. वो बीते दिनों की बात भी बता रहे हैं, जब वो ट्रेवलिंग करते रहे हैं, जेरम के जेरम नरेटर, जब वो ही हैज बीन डूइंग जर्नीज बिफोर, ट्रिप्स बिफोर, उस समय की बात भी बातें भी कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि मेरा टूथब्रश एक ऐसा चीज है जो हमेशा मुझे परेशान करता है. When I am traveling and makes my life a misery. जब भी वो ट्रैवलिंग करते हैं टूथब्रश ही परेशान करता है. टूथब्रश की बात कि वो रखे कि नहीं रखे हैं. ओके, हॉन्ट्स का मतलब होता है टू रिपीटेडली गिव ट्रबल, बार बार परेशान करता है. टूथब्रश की बात किसको? जेरम को, कि उन्होंने रखा कि नहीं. पहले भी इसका पहले भी जो ट्रिप पे गए थे तो यही बात हुई थी, क्या टूथब्रश वो रखे कि नहीं रखे, वो डाउट में रह गए, संदेह में रह गए. और यहां भी वही हुआ है, और जिससे इनकी जिंदगी बहुत मिजरेबल हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है. मिजरी का मतलब हेल्पलेस. ओके, आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट. और कभी कभी वो स्वप्न जैसे देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं, वो रियलाइज करने लगते हैं कि वो पैक नहीं किए हैं. हाँ, शायद पैक नहीं किए हैं, उनके दिमाग में ये सब बातें आती है, ठीक है? एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. जब सो लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, माने पैक को कर लिए, कल जाना है, कल हमको यात्रा के लिए निकलना है. रात में सो रहे हैं, सोते वक्त उनको सडनली याद आता है, बेड पर जब चले गए एकदम, हाँ अभी नींद लेने वाले हैं, नींद में जाने वाले हैं, तब तक उन्हें याद आ गया, क्यों मैं अपना टूथब्रश रखा कि नहीं. तो जैसे याद आएगा मैं रखा कि नहीं रख, उन्हें वो सोचते थे नरेटर की मैं रखा कि नहीं रखा, याद ही नहीं आ रहा था. तो तुरंत उठते अपने बेड से, तुरंत उठते और जाते टूथब्रश को पहले खोजने. ये पहले भी ऐसा कर चुके थे. कौन? जेरम द नरेटर.
and in the morning I pack it before I have used it. और क्या करते हैं, सुबह में उनको याद आ रहा है, उनका ये एक एक हैबिट सा बना हुआ है, ठीक है, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. अब यूज करने से पहले मॉर्निंग में क्या करते हैं, यूज करने से पहले ही वो पैक कर दिए हैं. मॉर्निंग में क्या देख रहे हैं, ब्रश, मॉर्निंग में भी तो यूज करना है, ब्रश ब्रश करना है टीथ को, वो ब्रश करने से पहले उसमें रख डाले हैं बैग में, सुबह में देखते हैं. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, मतलब ब्रश करने से पहले, ब्रश को मुंह धोने के पहले, ब्रश करने से पहले वो बैग में रख चुके हैं ब्रश को. एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग. और फिर उनको क्या करना पड़ा है, अनपैक करना है, फिर बैग से बैग को खोलना पड़ा है, हाँ, टू गेट इट, उसको पाने के लिए. और ये हमेशा अंतिम चीज होता है, आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जब कभी भी उनको बैग से निकालना पड़ा है. टूथब्रश क्या है, ब्रश करने से पहले रख दिए तो सुबह ब्रश करने के लिए फिर टूथब्रश निकालना पड़ता है, हो सकता है फिर भूल जाए रखना ही, हाँ, एडवांस में रख दिए बाद में फिर भूल गए निकालने के बाद, ऐसा होता है उनके साथ. एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट, बाद में फिर रिपैक करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि रखे कि नहीं रखे, ठीक है, रख दिया लेकिन कोई याद नहीं आ रहा कि रखा कि नहीं रखा. एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माय पॉकेट हैंडकरचीफ. तो कभी कभी क्या है, भूल जाते हैं, भूल भी गए, कभी कभी रखना भूल भी गए, बैग पैक कर लिए, तो क्या करते, जाके अप स्टेयर्स जाते, हाँ, और उसको खोजते लास्ट मोमेंट में, और उसको रेलवे स्टेशन जाना है तो उसको रैप अप पॉकेट में, पॉकेट हैंडकरचीफ में लपेट लेते थे, कवर करके पॉकेट में डालकर दौड़ते थे रेलवे स्टेशन के लिए, ऐसा भी उनको करना पड़ा है, ठीक है. एवरी मोर्टल थिंग एवरी ऑर्डिनरी थिंग, नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है, यस, ये वर्ड नेक्स्ट पेज पे आएगा. Of course, I had to turn every mortal thing out now. और जब उन्हें ऐसे कभी परिस्थिति आती थी, कोई चीज याद नहीं आता था कि रखे कि नहीं रखे हैं, डाउट रह जाता था, तो क्या करता था, सारे चीज को, हाँ, फिर बिखेर देना पड़ता था उनको, सारे सामान को निकाल देना पड़ता था बैग में जो रखे हैं, इधर उधर फिर हो जाते थे. I had to turn every mortal thing out now. मोर्टल थिंग का मतलब मैंने बताया ऑर्डिनरी थिंग, सारे ऑर्डिनरी थिंग्स को फिर बाहर निकालना पड़ता था. ऑफ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट. और जब वो ब्रश पॉकेट में ही रखे हैं, अब भूल गए हैं कि बैग में रखे हैं कि नहीं रखे, और पॉकेट में ही रखे हैं, कभी कभी पॉकेट में ही है, उनको याद नहीं है कि पॉकेट में रख चुके हैं, ऐसा भी होता है. और बैग खोलकर फिर देखने लगते कहाँ गया सारा चीज, फिर बाहर निकालते हैं, हाँ, फिर उसको रखना पड़ता है. ये सब चीज स्टेप बाय स्टेप चलते रहता है. आई कुड नॉट फाइंड इट. आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन कैओस रेंट. कर रहे हैं कि ही सर्च्ड इन अ हरीड और केयरलेस वे ऑल द थिंग्स इन द सेम स्टेट. उसी अवस्था में वो सारे चीजों को, जो भी चीज रहता है उसको हरिडली, मतलब असावधानी पूर्वक खोजते हैं, हड़बड़ा कर. क्या करते हैं, हड़बड़ी में कोई चीज ऐसा होता है तो बैग को हम लोग निकाल नहीं देते, सारा सामान निकाल देते हैं, अलमारी से सारा कपड़े ऊपर निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, कोई चीज खोजने के लिए, कोई छोटा सा चीज को खोजने के लिए जब नहीं मिलता है तो, हालांकि वहां नहीं रहता, बाद में देखते हैं कहीं और है, ऐसा भी होता है. तो यही स्टेट है, यही स्टेट ऑफ माइंड होता है ह्यूमन बींग्स का. Human beings are prone to do mistakes. ठीक है, तो in the same way ये भी वैसी गलती करते हैं और कहते हैं कि same state में चले जाते हैं. They must have been before the world was created. ये संसार बनने से पहले भी ऐसे ही होगा. And when chaos reigned, और जहां confusion ही confusion होगा,
कह रहे हैं कि इस प्रकार से कंफ्यूजन की दुनिया में कोई भी चले जाता है, कोई सामान खोजता है नहीं मिलता है, नहीं मिलता, सारा चीज फैला देता है इधर उधर निकाल कर, तो क्या होता है उधर की शांति होता है क्या? उस क्या उसमें डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है? सिचुएशन ऑफ डिस्टर्बेंस अप्रोर, ओके, डिसऑर्डर में सारा चीज डिसऑर्डर हो जाता है। कि एक बार जो चीज तुम अच्छा से रख लो अरेंज करके कोई बैग में, कहीं जाना है फिर हड़बड़ा के निकाल के इधर उधर फेंक दोगे और फिर उसको सही से फिर रखना चाहोगे तो वैसा नहीं रख पाओगे पहले जैसे रखे हो, ठीक है ना? ऐसा होता है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू सी द पिक्चर, स्टडी दिस पिक्चर। ये पिक्चर से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाउ जेरोम इज पैकिंग एंड perhaps George is sitting on the wheelchair. Harris, any one of the two, one of his friend is sitting on a wheelchair and another one is sitting on a sofa, you see, and they are watching him doing the packing. They are not extending their help to Jerome. The picture reflects what we have read. Okay? Clear? Is the picture clear to you? Okay. Now I'll move on to the next slide. Uske baad aage padhte hain. Of course, I found George's and Harris 18 times over. Keh rahe hain, bilkul satya hai, bilkul sahi hai. Ki maine George aur Harris ka जो टूथब्रश है 18 बार मैं खोज लिया, 18 टाइम्स ओवर, बट आई कुडंट फाइंड माय ओन। जॉर्ज और हैरिस का वो 18 बार खोज चुके हैं, 18 टाइम्स, लेकिन और मिला भी, लेकिन इनका अपना टूथब्रश नहीं मिला, अपना जो चीज था नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट। I put the things back one by one, एक एक करके वो सामान रखे बैग में, and held everything up and shook it, सारा चीज को रखे, फिर इसको हिला कर देखा, हाँ उसको शेक करके देखते हैं, then I found it inside a boot, सारे चीज रख दिए, लास्ट में अपने टूथब्रश को कहाँ पाए? It was kept in a boot, एक जूते के अंदर रखा हुआ था उनका टूथब्रश। सारे जगह खोज लिए, 18 बार खोजे जॉर्ज और हैरिस का, लेकिन अपना नहीं खोज पाए। अंत में कहां खोज पाते हैं? कहां मिलता है? एक बूट में, ठीक है? सारे चीज इधर उधर बिखर गया, उसको रखे निकाले, रखे निकाले, रखे निकाले, ये सब होता रहा उनके साथ। किसके साथ? जेरोम के साथ। आई रिपैक्ड वंस मोर, तो सारे चीजों को निकाले और फिर रखे, निकाले रखे, लास्ट में देखते हैं कि टूथब्रश कहां मिलता है? बूट में मिलता है, उनके बूट में, इनसाइड ए बूट। उनका बूट में है कि नहीं मालूम, नहीं, कोई एक बूट में था, कोई एक जूते में, ठीक है? फिर से इनको रिपैक करना पड़ा। क्लियर? व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। जब ये पैकिंग करना खत्म कर लिए, जेरोम द नरेटर पैकिंग करना खत्म कर लिए, व्हेन ही फिनिश्ड पैकिंग, देन जॉर्ज आस्क्ड अबाउट द सोप, वेदर द सोप वाज इन। जॉर्ज पूछ बैठा कि क्या साबुन अंदर में रखे हो? जेरोम को पूछ बैठा जॉर्ज कि साबुन अंदर रखा है, नहाने का साबुन, बाथ सोप तुमने अंदर रखा? आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट। और तब जेरोम ने जवाब दिया कि मैं कोई आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं उसके बारे में अब ध्यान नहीं देता, सो बाहर हो है कि अंदर है मुझे नहीं मालूम। ओके, गुस्से से बोला। जेरोम अकेले पैकिंग कर रहा था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, वो लोग हेल्प कर सकते थे, चाहते थे हेल्प कर सकते थे ना, अरे ये भूल गए हो, अभी बंद मत करना, इसको रख दो, ये भूल गए ये रख दो, चलो तुम्हारी हेल्प करते हैं। ऐसे ही होता है ना पैकिंग, जब तीन दोस्त हैं एक जगह, हाँ दो दोस्त मिलकर इसके ऊपर पूरा छोड़ दिए और खुद आनंद ले रहे थे बैठकर,
सोफा पर एक बैठ गया था, एक बैठ गया था व्हील चेयर पर, ठीक है। एंड आई स्लैम्ड द बैग, और गुस्से से उन्होंने बैग को बंद कर दिए, स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, उस बैग को बंद कर दिए और स्ट्रैप लगा दिए, ठीक है। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय स्पेक्टेकल्स इन इट एंड हैड टू रीओपन इट, और बाद में देखा कि जब पैक कर दिए गुस्से से, फिर से उनका बात नहीं सुना जेरोम अपने दोनों दोस्तों का। हाँ, अभी अभी कौन बोला था, कौन दोस्त बोला था, जॉर्ज बोला था, जॉर्ज का बात नहीं सुना उन्होंने और बोला कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, पैक हुआ हो ना हुआ हो सोप, और बैग को बंद कर देते हैं, स्ट्रैप लगा देते हैं जेरोम, और बाद में देखते हैं कि वो अपना स्पेक्टेकल्स चश्मे जो होते हैं उसके अंदर बंद कर दिए हैं, उस बैग में चश्मा रख दिया है। चश्मा तो पहन के जाना होगा ना, लेकिन चश्मा को भी गलती से पैक कर दिया था उन्होंने, और फिर से बैग को खोलना पड़ा, रीओपन इट। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो जो हम लोग पैकिंग करते हैं तो इसी अवस्था में रहता है सारा चीज, ठीक है। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ, नरेटर के साथ, ओके। नाउ कम टू द लास्ट स्लाइड। इट गॉट सेट अप फाइनली एट 10:05 PM। अंत में ये बैग कब बंद हुआ, फिर से उनको सारा सामान निकालना पड़ा, जेरोम को, नरेटर को अपना चश्मा खोजने के चक्कर में सारे सामान निकालने पड़े। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। 10:05 पे बंद कर दिया, फिर से बंद कर दिया गया उस बैग को 10:05 पर रात को, और उसके बाद हैम्पर्स भी बच गए थे। लार्ज हैम्पर्स क्या होते हैं, लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड, भोजन को रखने का लार्ज बास्केट्स होते हैं बड़े बड़े, वह नहीं रखा गया था, बास्केट्स नहीं रखे गए थे, ठीक है। और भोजन भी नहीं रखे गए होंगे, जो ट्रेवलिंग करेंगे वो लोग क्या खाएंगे, बास्केट्स नहीं रखेंगे तो भोजन भी नहीं रखे गए होंगे, भोजन भी फूड भी नहीं रखे गए होंगे। हैरी सेड दैट वी शुड बी वॉन्टिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। तो उसके बाद हैरिस ने देखा कि बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, ये तो शाम को शुरू किया गया, दोपहर को शुरू किया जो भी, हाँ, और इतना समय हो गया अभी तक पैक नहीं हुआ, हैरिस ने देखा, ठीक है। और ये भी कहा कि 12 घंटा के अंदर सबको निकलना है, मतलब सोना भी तो पड़ेगा, रेस्ट भी तो लेना पड़ेगा। हैरिस सोचा कि रेस्ट भी तो लेना पड़ेगा, कहीं जाना है तो 12 घंटा और बचा हुआ है, तो अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो पैक नहीं हो पाएगा, रात भर पैकिंग और अनपैकिंग चलते रहेगा, ये बाद में सोचता है हैरिस। तो बाद में सोचा कि हैरिस और जॉर्ज दोनों मिलकर बाकी का कार्य करेंगे पैकिंग का, ठीक है। एंड आई अग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो। और अंत में ये तैयार हो जाते हैं, जेरोम तैयार हो जाते हैं एंटायरली बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैकिंग करने का उनको देने का। जब हैरिस ने सोचा कि जॉर्ज और वो मिलकर फिर से पैक कर लेंगे, क्योंकि काफी देर परेशान रह गए जेरोम, हाँ, पैकिंग और अनपैकिंग करते करते, तो उन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, उन दोनों ने बोला कि तुम अब घबराने की बात नहीं, हम लोग पैकिंग कर देंगे, तुम अब रेस्ट लो, ठीक है। तो इस पर सहमत हो गए जेरोम, नरेटर सहमत हो जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं पैकिंग करने के लिए। इसके बाद क्या होता है वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके, पार्ट थ्री में हम लोग देखेंगे इसके बाद क्या होता है, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।